निम्न कुल में जन्म लेने वाला भी भजन करे तो भगवान उससे राजी हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने तो यहां तक कह दिया, विप्राग द्विषट गुणयुता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम न तो भूरी माना। प्रहलाद जी कहते 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो और भगवान का भक्त न हो, भगवान से विमुख हो, तो अहंकारी ब्राह्मण न खुद पवित्र होगा न अपने कुल को पवित्र करेगा। किंतु जो चांडाल जिसने अपना तन मन प्राण सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करके अनन्य भाव से भजन का मार्ग अपना लिया है, वो स्वयं भी पवित्र हो जाएगा, अपने कुल को भी पवित्र कर देगा। तो नालम द्विजत्वम देवत्वम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवता होना जरूरी नहीं। देवताओं पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, अब वृत्तासुर असुर था उस पर प्रसन्न हो गए, देवराज पर प्रसन्न नहीं हुए उस पर प्रसन्न हो गए, प्रहलाद जी पर कितने प्रसन्न हुए, इतना लाड़ प्यार किसी देवता को मिला जितना प्रहलाद जी को मिला। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम, कोई ऋषि पद प्राप्त कर ले तो भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं होंगे। दुर्वासा जी से बड़ा ऋषि कौन होगा, और उनको भी भक्त का तिरस्कार करने का दुष्परिणाम भोगना पड़ा। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजा प्रीण नाय मुकुंदस्य न वृत्तम, चरित्रवान होना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन वेश्या क्या कोई, क्या कोई चरित्र होता है। और पुराण में, पद्म पुराण में वर्णन है, जीवंती नाम की वेश्या तोते को राम नाम पढ़ाते पढ़ाते भगवत धाम चली गई। बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा तो हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी संभव नहीं है। बिना पढ़े लिखे अनपढ़ लोग भी राम राम करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। प्रियते अमलया भक्त्या, निष्काम निर्मल भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बाकी तो विडंबना मात्र है। और वह भक्ति कैसे प्राप्त होती है, आहा क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं बड़ी प्यारी बात है, अब क्या कहें उसको, बिना कहे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पश्चाताप रह जाएगा, कि उस बात को पुष्ट करने के लिए उसका कहना बहुत आवश्यक है। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवन, आहा बहुत ही प्यारा श्लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव, बहुत प्यारा श्लोक। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताः स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो जित जितोप्यसितैः त्रिलोक्याम। हे प्रभो, जो लोग ज्ञाने प्रयासम कुत अपास्य, ज्ञान प्राप्ति का व्यर्थ प्रयास श्रम नहीं करते, तो क्या ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न व्यर्थ श्रम के समान है। बोले हां, बहुत ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। तब क्या करते हैं, ज्ञाने प्रयासम उत अपास्य,
त्यक्त्वा दूरीकृत्य क्या करते हैं फिर नमन्त एव केवल सर्वतो भावेन आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। कोई प्रयास नहीं करते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। इस भगवद वाक्य को परम प्रमाण मानकर भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। और शरण ग्रहण करके क्या करते हैं बोले जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। सत्पुरुषों के मुख से निसृत आपकी लीला कथा की चर्चा को सुन सुनकर जीते हैं, अर्थात वही आपकी लीला कथा की चर्चा सत्संग वही उनका जीवन बन जाता है, वही उनका प्राण बन जाता है, उसी को उसी के सहारे जीते हैं। दूसरा अर्थ ये हुआ राम जी के ये च खलु सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम श्रुत्वा जीवन्ति तएव जीवन्ति अन्ये तु मृता है एव। जो कथा सुनकर जीवित हैं वे ही जीवित कहलाने के लायक हैं, बाकी तो मरे मुर्दे हैं। कथा में प्रेम नहीं तो जिंदा मुर्दा है। जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, ऐसे जो कथा रस रसिक प्रेमी हैं उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता का अर्थ क्या है? स्थाने स्थिता का अर्थ है कि यदि वे ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित रहकर, यदि वे गृहस्थ हैं तो गृहस्थाश्रम में ही रहकर, यदि वे वानप्रस्थी हैं तो वानप्रस्थ आश्रम में ही रह करके, यदि वे सन्यासी हैं तो सन्यासी सन्यास आश्रम में ही रह करके, अथवा वे ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वैश्य हैं शूद्र हैं किसी वर्ण में स्थित हैं, ये सब स्थान चाहे घर में हो या बाहर हो वन में हो वो चाहे जहां हो वो वहीं रहकर आपकी शरण ग्रहण करके आपकी कथा को सुनते हैं और आपकी कथा को जीवन बना लेते हैं। तो महाराज जी वो कथा ऐसा दिव्य प्रभाव उनके जीवन में डालती है, कर्ण रंध्र से कथा जब भीतर जाती है तो उनका हृदय निष्काम हो जाता है, कामना की कीच धुल जाती है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब देखो एक घटना आपको सुना है। एक पंडित जी, सुदामा कुटी की बात, एक पंडित जी वहां जहां पहले जनरेटर रखा रहता था वहां बैठकर रो रहे थे, तो हम किसी कार्य से नीचे गए, हमने देखा है कि ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, तो दया आई मन में आए तो हमने जाकर उनको प्रणाम किया। देखने में लग रहे थे कि अच्छे कोई पंडित हैं, सुंदर त्रिपुंड धारण किए हुए थे और वेशभूषा से ही लगता था कि पंडित हैं विद्वान हैं, तो हमने प्रणाम किया। तो उन्होंने हमको विद्यार्थी जैसे देखा तो उन्होंने कुछ संस्कृत में बोलना आरंभ किया, तो हम बड़ी प्रसन्नता हुई कि संस्कृतज्ञ हैं ये। तो हमने पूछा उनसे कि आपके दुखी होने का कारण, तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार के लोग हमसे छूट गए हैं या हमको छोड़ के चले गए, मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं अब मेरे पास कुछ नहीं है और वो सब हमको छोड़ के चले गए हैं, मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ। मैंने उनको कहा कि चलो महाराज जी के पास चलो, तो हम उनको पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास लेके आए। आए तो महाराज जी से उन्होंने प्रणाम किया और महाराज जी से भी थोड़ी देर तक संस्कृत में ही वार्तालाप किया, बड़ी प्यारी संस्कृत बोलते थे। उधर ही के थे नैमिषारण्य क्षेत्र के, तो महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा भी कि हम उस जमाने के व्याकरणाचार्य हैं और हम पंडित हैं ब्राह्मण हैं। तो महाराज जी बोले बहुत अच्छा हुआ, यह अवस्था आपके घर छोड़ने की ही थी और आपने नहीं छोड़ा, तो भी भगवान ने तो विधान बना ही दिया, आप अब छूट गए तो अब उनके लिए आप क्यों रो रहे हैं। पुत्र कोई बालक तो नहीं? बोले महाराज बच्चों के भी बच्चे हो गए, नाती पोते तो सब हो गए हैं,
तो जब उनको आपकी चिंता नहीं है, वो आपको छोड़ के चले गए, तो आप अब दुखी क्यों हैं? आप यहाँ रहें, हमारे पास विद्यार्थी रहते हैं और इनको आप थोड़ा पढ़ा दिया करें, और क्योंकि मैं कभी कभी बाहर चला जाता हूँ तो आप इनको पढ़ा दिया करें, और ये सब आपके पुत्र पौत्र के ही समान हैं, ये सब आपकी सेवा करेंगे। तो उनको बड़ा संतोष मिला, बोले मेरे पास कोई कपड़ा पड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। तो महाराज जी ने नई धोती गमछा सब चीज उनको जो भी थी उपलब्ध करा दी। अब मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो कहते हेलो मैं यहाँ हूँ, उस समय मोबाइल चला नहीं था, कहीं चला भी होगा तो हमें तो ज्ञात नहीं है, मोबाइल नहीं था उस समय। 20-25 वर्ष पहले मोबाइल था क्या? नहीं, चलो तब ठीक, लगभग 25 वर्ष पुरानी घटना होनी चाहिए। तो वो रुक तो गए, सारी व्यवस्था उनकी हो गई, हम लोगों ने सुंदर उनको भोजन कराया, दूध भी पिलाया, लेकिन महाराज जैसे वो सुरथ राजा और समाधि नाम का वैश्य वहां वन में रह करके भी और अपने घर की चिंता करते हैं, वही हालत उन पंडित जी की थी। तो उनको दुखी देखकर महाराज जी ने कहा कि आप चिंता न करें, आपका टिकट हम बनवा देते हैं। और आप बोले नहीं, हमको तो महाराज जी जाना पड़ेगा, घर तो जाना पड़ेगा। महाराज जी बोले ठीक है, जरूर जाओ। और उन लोगों में से किसी ने उनकी खोज खबर नहीं की। तब उनको फिर ट्रेन में बिठा करके आए, रिजर्वेशन भी भगवान की 2-3 दिन बाद का रिजर्वेशन मिल गया, और उनको ट्रेन में बिठा के चले गए। उनके जाने के बाद महाराज जी ने कहा, पंडित जी आपने क्या समझा? महाराज हम तो नहीं समझा कुछ। बोले समझने की बात यह है कि शास्त्रों के ऐसे पंडित, वह भी परिवार के प्रति मोह नहीं त्याग सके, घर का मोह त्याग नहीं सके। तो बोले शास्त्र ज्ञान में तो कमी नहीं है, पर ऐसे ज्ञान से जीव का क्या कल्याण होगा? इसलिए ज्ञाने प्रयासम उत अपास्य, पुस्तकीय ज्ञान के का प्रयास नहीं करते ज्यादा। देखो इसका मतलब यह बिल्कुल मत समझ लेना कि पुस्तक नहीं पढ़ना, शास्त्र जरूर पढ़ना, लेकिन केवल पुस्तकीय ज्ञान से आपकी अविद्या छूट जाए, आपका चित्त निर्विकार हो जाए, आपको मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा की इच्छा समाप्त हो जाए, आपका भगवान में प्रेम हो जाए, आपका शरीर संसार में वैराग्य, ये संभव नहीं। खेमका जी तो काशी में रहते हैं, विद्वानों की नगरी है, कैसी उठापटक चलती है पंडितों में, और कई बार उस उठापटक से विद्यार्थियों का नुकसान होता है। हमारे पास कोई पढ़ने आया और वो दूसरे के पास पढ़ने चला गया तो उसकी खैर नहीं, ये स्थिति है। तो बोलो इतना पढ़ने के बाद भी राग द्वेष नहीं मिटा तो क्या लाभ हुआ? इसलिए भगवत चरित्रों के श्रवण से, सत्संग से जो ज्ञान होगा, वही ज्ञान जीव को कल्याण करने वाला ज्ञान होगा।